हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ड प्लस विद प्रशांत फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद जो ट्रांसफार्मर का साइज होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आज हम ये चेक करने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बाई इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी या फिर अगर हम फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो उस कारण से क्या साइज ऑफ ट्रांसफार्मर का कोई इफेक्ट आता है चेंज आता है या नहीं इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है आप देख सकते हैं विश ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलर इन साइज जिसमें मैंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन में आप एक चीज कॉमन देखोगे जो केवीए रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर की मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है ना कि क्लो में तो सभी आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं हंड्रेड केवीए रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है लेकिन सभी की फ्रिक्वेंसी चेंज है तो इन चेंजेस ऑफ फ्रिक्वेंसी से क्या साइज में कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं अगर आएगा तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हमारा बड़ा होगा या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मर छोटा होगा इसको हम आज चेक करने वाले हैं तो आइए फ्रेंड चेक करते हैं अपने रिलेशनशिप को और छोटा सा डेरिवेशन है इसके लिए फ्रेंड बस आपको इसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड जो आप नीचे देख पा रहे हैं ई एम एफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वो होती है ई इक्वल्स टू फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एम एफ इन टू एन इसमें आपको बताना चाहूंगा जो फाइव एम एफ फ्रेंड इसे बोलते हैं फ्लक्स एफ होती है फ्रेंड हमारी फ्रिक्वेंसी एफआर क्यूयूएनसी वाई और एन होते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्नस नंबर ऑफ टर्न्स टीयूआरएनएस ये तीन पॉइंट है फ्रेंड फ्लक्स फ्लक्स फ्रीक्वेंसी एंड एन इसके साथ फ्रेंड एक चीज होती है फ्लक्स डेंसिटी उसे हम नोट करते हैं फ्रेंड बीएम से फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी का फ्रेंड फॉर्मुला होता है फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया इसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डी एन एस आई टी वाई ये एक फाइनाइट वैल्यू रहती है फ्रेंड हमेशा तो अगर मैं इसकी वैल्यू बी एम की वैल्यू ए के साथ इंटू करके फाइव बनता है इसके अंदर पुट करता हूं तो ई इक्वेशन क्या होगी फ्रेंड फोर पॉइंट फोर फोर यह हो जाएगा बी एम इंटू ए इंटू एन तो यहां से हमें एक और रिलेशनशिप मिलता है फ्रेंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ई अपॉन फोर पॉइंट फोर फोर बी एम ए इंटू एन तो ये हमारा रिलेशनशिप रिलेशनशिप फ्रेंड आ चुका है इस रिलेशनशिप में एक चीज आपको ध्यान रखना है ये फोर पॉइंट फोर फोर आपका कॉन्स्टेंट है ये बी एम की वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू रहती है एफ आई एन आई टी फाइनाइट वैल्यू रहती है एन नंबर ऑफ टर्न भी आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं इसका मतलब यहां से हमारा रिलेशनशिप निकल के आया है डियर फोर फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मीन्स अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी या फिर अगर मैं एरिया को रिड्यूस करूंगा तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और एरिया किस पे एरिया क्या चीज है मतलब साइज है एक तरह से इसका मतलब फ्रेंड क्लियरली है अगर केवियर रेटिंग ट्रांसफॉर्मर की सेम है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी ट्रांसफॉर्मर की ज्यादा है तो उसका एरिया कम होगा तो जैसे कि फ्रेंड आप हमारा क्वेश्चन देख पा रहे हैं विच ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलर इन साइज तो इसमें सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफॉर्मर का साइज सबसे बड़ा होगा और जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जैसे आप ये देख पा रहे हैं सिक्सटी अर्ड इस ट्रांसफॉर्मर का साइज सबसे ज्यादा छोटा होगा तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड जिससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्या पड़ता है बस आपको एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड ये ईएमएफ इक्वेशन होती है और अगर किसी भी फ्रेंड को प्रॉब्लम है इसी ई एम एफ को कैसे हमने लिखा है अगर उसका डेरिवेशन चाहिए तो आप बताना मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मैं इसका डेरिवेशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बट एट लास्ट आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर आपका कम होगा इस रिलेशनशिप से हमारा ये वाला जो ट्रांसफॉमर बी ऑप्शन दैट इज स्मॉलर इन साइज अगर इसी में मैं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बना दूं विच ट्रांसफॉर्मर इज बिगर इन साइज अगर स्मॉलर की जगह बिगर होता तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा कम है वो वाला ट्रांसफॉर्मर साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता तो ये कॉन्सेप्ट था फ्रेंड आशा करता हूं आप सभी कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना फ्रेंड और ज्यादा शायद वीडियो को शेयर करना ताकि इन सभी तक पहुंच सके एंड प्लीज डोन्ट फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू